हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म डीके एजुकेशन अड्डा में। हाँ, हम लोग बात करते हैं एक बार फिर होने वाले आगामी पेट के पेपर के लिए, जो कि अपने भारतीय इतिहास के से है। जो कि हम लोग उस दिन बात कर चुके हैं बौद्ध धर्म के बारे में, आज बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक को ऋषभदेव के लिए माना जाता है। इनका वास्तविक संस्थापक यानी महावीर स्वामी के लिए स्वामी है। इसमें कुल तीर्थंकर यानी कि 24 लोग हुए हैं। यानी कल्प सूतक पुस्तक है यानी भद्रसार ने जो लिखी है, उसमें जो है 24 लोग इसके कुल तीर्थंकर माने गए हैं। यानी कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कुछ पेपर पेपर की दृष्टि से हैं जो पूछे जाते हैं, उनमें पहले ऋषभदेव हैं यानी ऋषभ यानी पहल के नाम, आदि नाम आदि नाथ या केसरिया देव के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके लिए एक मुख्य बात यह है, ऋषभ मतलब भारत और बाहुबली यानी महाबली, ये दो नाम और इनके प्रचलित हैं। और दूसरे हैं अजीतनाथ हैं, जो कि उनका प्रतीक हाथी से है। और तीसरे हैं संभवनाथ हैं, उनका प्रतीक घोड़ा से है। तो आओ आगे बात करते हैं इसी में। इसके और 22वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो अरिष्ट नेमी हुए हैं, इनका प्रतीक शंख के नाम से। और 23वें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछे जाते हैं पेपर में, 22, 23 और पहले दूसरे तीसरे तक यही पूछे जाते हैं मुख्यतः। आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे हिस्ट्री से लिए गए हैं और पेपर के पेट में हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर यानी कि कोई भी कंपटीशन का पेपर, उसमें ये हिस्ट्री तो आनी है 5 से 10 नंबर की, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। इनकी 4 शिक्षाएँ थी पार्श्वनाथ की, इन्हें भी सर्व से नोट किया गया था। इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने 4 बाण दिए थे, अहिंसा सत्य और अशिष्टे और अपरिग्रह। इसमें 5वां जो था वो ब्रह्मचर्य, वो जो रहा था महावीर स्वामी जी ने। और तो आओ आगे बात करते हैं। और इसके लिए 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। इन्हें शेर या पंचशील को जो मैंने बताया आपको, 5वां महाव्रत है वो ब्रह्मचारी, वो महावीर स्वामी जी ने इसमें जोड़ा था। 4 किसने जोड़े थे, पार्श्वनाथ ने, यानी 4 शिक्षाएँ दी या महाव्रत का कुछ भी कह सकते हैं आप। और महावीर स्वामी की बात करते हैं, जब आई गए 24वें तीर्थंकर में, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC से 540 BC के बीच, यानी कि वो अभी मतभेद चल रहा है इतिहासकारों के बीच में। और इनकी मृत्यु महावीर स्वामी की 522 BC से लेके 468 BC में लिखा मिलता है कहीं कहीं। और हम लोग देखते हैं वो भी 527 BC जो कल्प सूत्र जो पुस्तक थी उसके अनुसार माना जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम में है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रक कुल के इष्ट वंशक में थे। और आओ देखते हैं आगे क्या है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला है, जो कि चेरक लिच्छिबड़ी की बहन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है, यानी कि जो त्रिशला थी वो चेटक लिच्छवी की बहन थी। और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और पत्नी का नाम यशोदा था। और बचपन का नाम महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पुत्री इनकी अनोज्या थी जी, और इनका दामाद था जमाली था। यानी जमाली और अनोज्या के बारे में अक्सर क्वेश्चनों में पूछा जाता, जबकि जमाली ही इनके जो दामाद हैं, जमाली वो ही इनके सबसे प्रथम पहले या प्रथम शिष्य थे। आओ बात करते हैं आगे। 12 वर्ष की तपस्या के बाद यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, पहले 12 माह अशोक वृक्ष के नीचे, यानी उसे स्वर्ण बालुका कहा गया है। और आगे बात करते हैं इसी में, यानी निर्ग्रंथ जिन गेलीवन महावीर स्वामी की है। यानी निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनों से मुक्त होना, निर्ग्रंथि का मतलब बंधनों से मुक्त हो, जिन का मतलब होता है जो खुद को जीत ले, और केवलिन का मतलब होता है आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझे। यानी कि ये 3 वर्ड जो दिए गए हैं, निर्ग्रंथि जिन केवलिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये महावीर स्वामी का वाक्य है और इन्होंने, महावीर स्वामी ने बताया है कि निर्ग्रंथि मतलब बंधनों से लोग मुक्त होते हैं, जिन मतलब जो खुद पर खुद को जीत लेता है उन्हें जिन कहते हैं, यानी केवलिन का मतलब होता है आत्मा और शरीर के बीच का अंतर को समझे। और आगे बात कर लेते हैं इसी बात पर, यानी जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी जैन लोगों के द्वारा। वो कौन थी, चंद्रमा की अध्यक्षता यानी चंद्रना की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य, त्रिवड़ बेला कर्नाटक यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में हुई थी। और फिर अशोक आए थे यानी दीक्षा जैन धर्म, भद्र साहू अकाल के समय यानी अकाल यानी आने वाले समय, अकाल के लिए क्या हुआ देखते हैं आगे। उत्तर भारत श्वेतांबर और सफ़ेद वस्त्र इन्हें दिया गया उत्तर भारत में जो लोग थे। और दक्षिण में दिगंबरों को लिए दिवंगर कहा गया, उन्हें क्या नंग अवस्था में, यानी दिवंगर कौन हुए, भद्रबाहु हुए।
और स्थूल भद्र कौन हुए, वो उत्तर भारत में यानी स्वतंबर हुए, यानी दो चले। और आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। सुस्त्रन में स्वतंबर का प्रचार दक्षिण में हुआ था। जैन धर्म की संगति, पहली संगति 300 AD में हुई थी, यानी जो कि पाटलिपुत्र में, और स्थूल भद्र ने इसका प्रचार प्रसार किया। और दूसरी हुई थी 512 AD में, जो कि भल्लवी गुजरात में है, यानी इसका देवदरी क्षमा ने किया था। और आगे बात कर लेते हैं इसी बात से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्या हो सकता है कि टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया, यानी जैन धर्म को मानने वाले शासक, जो भी शासक हुए थे, जो 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 जैन धर्म को मानते, यानी सीएम है उदयन हुआ था, और खालेल अधोबरदस्त था, हाथी गुम्फा अभिलेख में था, और जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा गया था, यानी यानी जब जैन धर्म चल रहा था उस समय की भाषा प्राकृत थी, यानी कि पहला उपदेश राजगृह में हुआ था। और आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात मगध में हुई थी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यानी कि महावीर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ और किस जगह हुई थी, वो है मगध में हुई थी। और इसके 3 रत्न दिए गए थे, सम्यक दर्शन यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 चीज़ें 3 रत्न कहा गया है जैन धर्म में। और बात करते हैं, आज के लिए इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन समझ में ज़रूर आएगा, और मैं अच्छे से इसको लिख के बनाया है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है लिखने में, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।